सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे हो, स्वस्थ हो। तो मैं भी आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ जिसका नाम है पिजन लवर हाई फ्लाइट। तो फाइनली दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक वीडियो ले आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके जो जोड़ है वो बच्चे पालते हैं तो उड़ान क्यों कम हो जाती है। पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। तो दोस्तों, बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहली बात, उनका जो है उड़ान क्यों कम हो जाती है। तो पहली बात तो आपको फोकस, नॉर्मल सी बात है, आपको भी समझ आ गया होगा। अगर वो बच्चे को पालेंगे तो उनका जो पावर है वो तो कम होगा ही, एनर्जी कम ही होगा, क्योंकि वो दाना खाने के बाद जो दाना है जो खाते हैं वो तो अपने बच्चों को दे देंगे, तो वो अपने लिए थोड़ा कम ही बचा पाते हैं। इसलिए क्या होता है, वो जो कमज़ोर होते हैं तो इसकी वजह से उनका जो उड़ान कम होता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। प्लस में इनका जो पूरा फोकस है वो बच्चों पर रहता है, वो उड़ते फुड़ते नहीं है, सोचते हैं कि अगर हम उड़ेंगे तो हमारे बच्चों को कौन पालेगा। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, उनका जो उड़ान कम होता है, क्योंकि जो अब उड़ेंगे नहीं। नॉर्मल सी बात है, अगर आपकी साइकिल को है, जैसे आप साइकिल को, मैं बता रहा हूँ, साइकिल आपने ले लिया और आप चला नहीं रहे, ऐसे खड़ी करके रख रखे हो, तो क्या होता है, उसके अंदर जंक लगता है ना, उसके जो पार्ट पुर्जे हैं वो काम करते हैं अच्छे से नहीं करते हैं। वैसे ही अगर कबूतर है, अगर उसको उड़ने के लिए बना हुआ है पक्षी, अगर वो नहीं उड़ेगा, घर नीचे ही रहेगा और मतलब उड़ेगा नहीं, तो उसके भी तो पार्ट पुर्जे अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, बाजू अच्छे से नहीं खुलेगा, उड़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जो है उनकी उड़ान कम हो जाती है। कुछ पॉइंट ये हैं, और कुछ पॉइंट ये है जो है वो अपने बच्चों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उनको अपने बच्चों को पालना होता है। क्योंकि हर जो माता पिता होती है वो चाहते हैं कि अगर उनके जो बच्चे होते हैं तो उनको अच्छे से ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि उनको अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। जैसा कि दोस्तों मैं अभी बता रहा था कि मतलब जो हर माता पिता को है उसके बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, तो वैसे कबूतरों को भी अपने बच्चे प्यारे होते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो इसीलिए वो अपने बच्चों को मतलब सोचते हैं कि जल्दी जल्दी बड़ा कर दे, जल्दी जल्दी, ताकि अगर वो जल्दी जल्दी बड़ा करेंगे तभी तो उनके जो बच्चे हैं खुद से दाना खा पाएंगे, खुद से मतलब चुग पाएंगे, खुद से कुछ भी कर पाएंगे। तो इसीलिए वो मतलब पूरा फोकस जो अपने बच्चों पर रखते हैं, इसकी वजह से वो अपने शरीर पर फोकस करना भूल जाते हैं, इसकी वजह से वो कमज़ोर होने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपके कबूतर का उड़ान कम हो रही है तो आपको क्या करना है, जो आपको बच्चे का दाना देने के बाद फिर भी आपको पेटी बंद करके बच्चों को पेटी बंद कर देना है और उन कबूतरों को बाहर छोड़ देना है और फिर दोबारा दाना खिलाना है अच्छे से और पानी पिलाना है। और आप प्लस में उनको बादाम भी दे सकते हो एक्स्ट्रा, ताकि उनके अंदर जो पावर है बना रहे, और चने भी दे सकते हो। तो इससे क्या होगा, उनके पावर बने रहेंगे और उनकी उड़ान कम नहीं होगी। और दोस्तों पता क्या कर सकते हो, बच्चों को पालने के बाद मतलब सुबह सुबह आप ना कबूतर को उड़ाई भी करो, दाना मतलब दाना मत खिलाओ, सुबह पानी पिला के आप उड़ाई करो, जो जोड़ गए हैं ना उनको भी उड़ाई करो सुबह। तो उनसे क्या होगा, उनका वो उड़ान भी नहीं भूलेंगे प्लस में और अपने बच्चों को भी पालेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, जो है उनके उड़ान नहीं भूलेंगे और उनकी उड़ान कम नहीं होगी। तो ऐसे करके आप, अगर आपके जोड़ अगर उड़ान कम हो रहा है, तो ऐसे करके आप अपने जो कबूतर उड़ान को रोक सकते हो कम होने से। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजबल लगी होगी। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर ना चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों इससे भी अच्छे वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।